हेलो दोस्तों, मैं ओशो कर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि फ्रीचार्ज अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं और फ्रीचार्ज में अपना केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको पहले फ्रीचार्ज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, उसके बाद उसको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपको एलो पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे सिंपल सा जाके अपना जो बैंक अकाउंट में जो नंबर आपका लिंक है वही नंबर यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे आपका जीमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपका जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, ऊपर आपका नाम और जीमेल आईडी फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाएगा, तो नीचे आपको अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो गाइस चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये तो हो गया अपना जो पासवर्ड डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका नंबर दिया था वही नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल देना है, जो ओटीपी जाएगा यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपका जो फ्रीचार्ज अकाउंट है यहाँ पे आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में जाना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे पूरा जाना है और यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा होगा अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जीमेल आईडी ऊपर नंबर आपका नाम शो करेगा। शो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा भीम यूपीआई सेटिंग का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो सिम नंबर यहाँ पे आप दिए हैं वही सिम यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिम वन या सिम टू यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो नंबर है वही नंबर पे यूपीआई मैसेज जाएगा, तो आपका यूपीआई क्रिएट करने के लिए ये मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों जो आपका यहाँ पे फ्रीचार्ज अकाउंट है यहाँ पे आपका यूपीआई क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है, लॉगिन बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है जो बैंक अकाउंट में आप खाता खुले हो। तो यहाँ पे आपको, मैं तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में यहाँ पे खुला हूँ, तो यहाँ पे मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखना है, जो आपका फ़ोन नंबर पे है वही फ़ोन नंबर पे आपका एक यूपीआई क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो नंबर है वही नंबर पे आपका फ़्रीचार्ज का यूपीआई क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी फ़्रीचार्ज में किसी दूसरे अकाउंट से पैसे रिसीव कर सकते हो अपने यूपीआई के थ्रू, और यहाँ पे आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को, किसी दूसरे यूपीआई आईडी को पैसा भेज भी सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा चेक बैलेंस का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको भीम यूपीआई पिन डालना है, जो आप गूगल पे फ़ोनपे में डालते हो। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट ऐड किए हो वही बैंक अकाउंट का आपका बैलेंस शो करेगा। उसके बाद आपको बैंक में जाना है और यहाँ पे आपको टू सेल्फ पे क्लिक करना है। टू सेल्फ पे आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे आप दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आपको बैंक में जाना है, ये तो हो गया आपका यूपीआई क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आपको फिर से अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करना है। नीचे आपको दिखाई देगा केवाईसी डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। जब आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हो तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट आप यहाँ पे जो आपके पास है वही डालना है। अगर आप यहाँ पे वोटर आईडी डालते हो तो वोटर आईडी का नाम और वोटर आईडी का नंबर ऊपर डालना है और नीचे आपको पैन कार्ड का नाम और पैन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक से डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा, तो उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवाईसी में दिखाई देगा सबमिटेड, तो यहाँ पे आपको बैंक में जाना है और अपना यूपीआई में किसी को पैसा भेजना है, तो यहाँ पे आपको यूपीआई सेंड मनी पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप दूसरे यूपीआई में अपना पैसा भेज सकते हो। और यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका क्यूआर कोड, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्यूआर कोड पे आप अपनी स्कैन करके आप पैसा रिसीव कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऐड मनी पे जाना है और यहाँ पे आप अपना पैसा ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों फ्रीचार्ज में बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिल पे, यहाँ पे आपको ऑफ़र में दिखाई देंगे। ऑफ़र में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे आप इस ऑफ़र को लूट सकते हो। और दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये फ्रीचार्ज अकाउंट आपको कैसे खोलना है समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जितना चाहिए उतना शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।